अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा तो स्टेशन हम लिंस पहुंच गए हैं। अब यहाँ से बेसिकली सीन कल ये हुआ कि हैंगनबर्ग हम नहीं जा सके, तो हमने प्रोग्राम बदल दिया। हमने कहा हम हालस्टाड जाएंगे आज। तो ये देखिए आप, ये लिंस का स्टेशन भी इस टाइम मैं खड़ा हूँ। अब हम जा रहे हैं हालस्टाड और आपको इस व्लॉग के अंदर बड़ी खूबसूरती नज़र आएगी, क्योंकि हालस्टाड दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है और ऑस्ट्रिया का बड़ा ही प्यारा शहर है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हालस्टाड। अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन हमारी आएगी 10:26 पे और अभी हमारा टाइम 10:07 हुए हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आपको मैं लेके चलता हूँ हालस्टाड और आपको दिखाते हैं हालस्टाड के नज़ारे। ये इसका फर्स्ट क्लास है, कम्फर्ट आया। चलिए ये देखिए ट्रेन, देखिए ऊपर फेल है, सीट है, उधर चलते हैं। आगे आ जाओ, ट्रेन सारी कितनी प्यारी है जगह। ये हम बैठ गए वेस्ट बान के अंदर। ये देखिए ये वेस्ट बान है सारी। तो ये सारी वेस्ट बान है, ये भी खुल जाता है और ये ट्रेन चल पड़ी है। बस ये कोई एक मिनट भी नहीं रुकती। ये देखें, ये जो हमारे प्लेन्स है ना, ये उन प्लेन्स से भी अच्छी है। अतरंग, यस अतरंग, तो यार अतरंग हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमने एक और ट्रेन पकड़नी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से और हमने जाना है हालस्टाड। जो ट्रेन हमें सीधी हालस्टाड लेके जाएगी। ये देखिए अतरंग का ब्यूटीफुल स्टेशन एंड यहाँ के ब्यूटीफुल लॉक। ये अतरंग का स्टेशन, अतरंग नाम कैसे यार, अतरंग बदरंग। मैं एक दिन एनजी आ रहे थे बैठे वेस्ट बांध थे ना, मैं 4-5 यार वॉशरूम चले यार, वेस्ट बांध थे नहीं एनजी सीट जड़ी साढ़े पीछे सी। हाँ वेयर इज 4 आया 4 वो है। अच्छा तो यार यहाँ पे एक और रूल भी है कि आपने सीढ़ी के इस तरफ खड़े होकर चलना होता था इस साइड पे। ये देखिए लेफ्ट साइड सारी खाली है, कि जिसने स्पीड से जाना है वो लेफ्ट से गुजर जाए, आपने राइट साइड पे खड़े होना है। ये देखें लेफ्ट साइड बिल्कुल खाली है। तो यहाँ से हमने एक और ट्रेन पकड़नी है और आई थिंक वो यही वाली है। हमारी ट्रेन खड़ी है, फिर हम ट्रेन में बैठते हैं। ना करिए ये, ये तो लिखा 3415, इसके शुरू में क्या लिखा है? अंदर लिखा हुआ है। हाँ यही जा रही है चौधरी। फिर अब ये तो काम गलत हो गया, चल ढूंढ सीट ढूंढ पिछली साइड पे, चल इधर नहीं मिली, इधर ही लग रही है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, देख
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੋਈ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀਟ ਹਾਂ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ 3414 ਹੈ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ये सारी चाइनीज लोग जा रहे हैं हाल स्टार्ट हमारे साथ अच्छा तो यार ये देखें ये इनका वॉशरूम है ट्रेन का मैंने कहा आपको ट्रेन का वॉशरूम भी दिखा दूँ ये देखें ये सारे इनका वॉशरूम है ट्रेन का आपका भाई है अच्छा ये सारा इन्होंने ना इलेक्ट्रिकल बनाया हुआ है ये देखें यहाँ से क्या इमरजेंसी वगैरह हो या आपने कैसे यूज करना है और आप देखें कितना स्टिल है ट्रेन के महल नहीं रहा ये देखें मैं बिल्कुल नहीं ट्रेन में खड़ा इस टाइम और ये देखें कितना स्टेल है ये ट्रेन कितनी स्टेल है तो पाकिस्तान से अभी इंजन हिलते रहते थे बट यहाँ देखें बिल्कुल स्टेल खड़ा हूँ मैं देख बाहर मैं पीछे जा रहा हूँ नहीं नहीं अच्छा तो अब हम पहुंच गए हैं गोइजरन जोत स्वेल शवल बाद जो भी लिखा हुआ पढ़ लें यार बहुत लंबा लफ्ज़ है तो ये कपल उतरा आई थिंक ये घूमने फिरने वाला है और हम भी घूमने फिरने वाले ही हैं तो अभी हमारे 3 से 4 स्टेशन रह गए हैं फिर हम पहुंचेंगे हाल स्टार्ट अब हम पहुंच गए हैं बैड गोइसर्न ये भी एक बहुत प्यारा इनका एक छोटा सा टाउन है देखिए आप कितना प्यारा है अच्छा तो यार हमारा स्टेशन आ गया और ये है हाल स्टार्ट ये हाल स्टार्ट आप देखें खूबसूरती इसके पहाड़ों की हर चीज़ ये देखें हाल स्टार्ट ये है हाल स्टार्ट अच्छा तो यार ट्रेन हमारी छोड़ के हमें निकल गई है तो ये है हाल स्टार्ट दुनिया का सबसे पुराना शहर
जिसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। नीचे यॉट खड़ी है एक, जो कि यॉट हमें लेके जाएगी उस तरफ वो सारी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। तो ये यॉट से हम जाएंगे उस जगह पे। और ये पानी आप देखिए कितना साफ सुथरा है यार। ये टिकट हमने ले ली है फेरी की, यॉट की जो भी है, ये हमें मिली है 7 यूरो की विद रिटर्न। तो ये यॉट है, ये देखें ये वहाँ बैठी हुई है सारी। तो अब देखें कब तक हम पहुँचते हैं। बाहर निकल गई पीछे, मतलब हाँ अभी मैं देख रहा सी। यार पानी देखिए आप कितना साफ है। ये देखिए आप हॉल स्टार्ट का व्यू। मार्केट यार, ये इनका चर्च है और ये आपका हॉल स्टार्ट है। आप व्यू देखें कितना प्यारा है यहाँ पे, और पानी इतना साफ है कि नीचे पत्थर भी नज़र आ रहे हैं पानी के, ये देखें। तो अब आपको आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ की खूबसूरती। अच्छा यार ये देखें, ये हॉल स्टार्ट की मेन स्ट्रीट है, यहाँ से आप एंटर होते हो। यहाँ से वो फेरी आपको उतारेगी, फेरी से आपने एंटर होना है। और ये स्ट्रीट है हॉल स्टार्ट की मेन, जहाँ पे आप सबसे पहले आओगे। ये इनकी मशहूर जगह, यहाँ पे ज़्यादातर कोरियन और चाइनीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं। पीछे उन्होंने कोरियन एंड चाइनीज़ लिखी थी स्पेशली। 7 यूरो की टिकट है, जहाँ पे आपको ट्रेन उतारेगी वहाँ से आपने 7 यूरो की टिकट परचेज़ करनी है। टिकट परचेज़ करके आपने, ये इनका चर्च है, चर्च में आपको लेके चलता हूँ आज। अच्छा मैं पहली दफ़ा ही चर्च में आया हूँ ज़िंदगी में, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। शूज़ मैंने पहने हुए हैं क्योंकि सारों ने पहने हुए थे, तो मैंने भी पहन लिए। तो लोग यहाँ पे आके देख रहे हैं, ये कैंडल्स इनकी जली हुई हैं और ये इनका चर्च है। इनका काफ़ी ओल्ड चर्च है, पुराना। तो सीन ऐसा है कि आपने 7 यूरो की टिकट परचेज़ करनी है, और परचेज़ करके आपने फेरी से यहाँ पे आना है। उसके बाद ये इनकी मेन स्ट्रीट है जहाँ पे आपने घूमना है। तो ये देखें, ये इनका प्यारा शहर है। ये इनकी जो मेन पॉइंट है, सारा इनका बाज़ार, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ लगा हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये आपने देखा होगा, ये कितना प्यारा बिल्डिंग बनी हुई है। ये देखें एंड ये बिल्डिंग भी काफ़ी प्यारी है। ये होटल है, कोई होटल ग्रुनन बॉम। तो मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, अभी आ जाए। ये देखें, ये जो शॉप है ये 1492 की बनी हुई है, क्योंकि सिटी काफ़ी 100 साल पुराना है ये। और यहाँ पे जितनी शॉप्स हैं ना वो बहुत पुरानी हैं। ये 1492 की, मतलब कि ये 1400 काफ़ी कितने साल, कोई 500-600 साल पुरानी शॉप है। इसी तरीके से ये भी एक होटल है। और ये इनके देखें, ये व्यू है सारा।
ये सीविट होटल है, रेस्टोरेंट है सॉरी। यहाँ पे कभी सॉल्ट माइन भी है, लेकिन सॉल्ट माइन में हम अगली दफ़ा जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत देर हो जानी है हमें जाने में, और हमने वापस भी जाना है। हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे रहने का नहीं है, तो अगर हमने रहना होता तो फिर हम जाते। ये देखें यहाँ की ऑथेंटिक सिटी, देखें ओल्ड बिल्डिंग्स यहाँ की सबसे मशहूर हैं जिनको लोग देखने आते हैं, और ख़ूबसूरती जो है यहाँ पे, ये देखें आप। मर्सिडीज इधर भी है। उसके बाद ये है साल्स हाउस, और ये काफ़ी पुराना है। ये जो बंदा इन्होंने बाहर बैठाया हुआ है, किसी ने बताया कि इसी ने बनाया था ये भाईजान। हाँ जी भाईजान, तुसी बनाया सी है ये। तो इस पे लिखा नहीं है कि ये कहाँ पे है, लेकिन कोई कह रहा था कि काफ़ी पुराना इस बंदे ने बनाया था। ये देखें ये लकड़ी के घर बने हुए सारे। ये सामने व्यू है, यहाँ पे रहने का मज़ा ही अपना यार। ये बहुत मशहूर और बड़ी प्यारी जगह ऑस्ट्रिया की। ये देखें म्यूज़ियम भी है यहाँ पे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं ऊपर जाने वाली, ऊपर जाते हैं पहले, आगे से आते हैं। अच्छा अब यहाँ पे सफाई और पीस देखें कितना है। अच्छा तो आपने पहले ट्रेन लेनी है जहाँ भी आप हैं, मतलब याना लेंस किसी भी शहर में, आपने वहाँ से हाल स्टार की ट्रेन लेनी है। मेरी एप्लीकेशन जो वीडियो आई हुई है कि आपने ऑस्ट्रिया में सफ़र कैसे करना है, कैसे ट्रैवल करना है, वो वीडियो देखें। और आपने वीडियो देख के हाल स्टार की ट्रेन लेनी है, ट्रेन लेके जब उतरेंगे तो वहाँ से आपने नीचे फेरी है, फेरी पर जाना है। फेरी वाले 7 यूरो लेंगे, जो रिटर्न टिकट भी होगी वो आप चाहे 3 दिन लें 4 दिन रहें, जब मर्जी रहें, वापसी की रिटर्न टिकट आपको मिलेगी। आपने वहाँ से 7 यूरो की पर पर्सन टिकट लेनी है, और फिर आप हॉल स्टार सिटी के अंदर आ जाएंगे मेन। फिर सिटी को आपने एक्सप्लोर करना है, और यहाँ पे जो सबसे मशहूर है वो है सॉल्ट माइन, जिसकी टिकट है तकरीबन कोई 40 यूरो पर पर्सन, कंफर्म नहीं है बट इतनी है। तो उसकी टिकट लेनी है। उसके बाद म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम की टिकट भी तकरीबन इतनी महंगी नहीं है। तो तकरीबन आप अगर 200 यूरो पर पर्सन लेके आते हैं ना टिकट्स वगैरह के लिए, तो बहुत ज़्यादा है वो, उसमें आप खा पी भी लेंगे और इजीली हो जाएगा। पर पर्सन 200 यूरो फॉर विजिटिंग ऑल द प्लेसेस एंड लिविंग। ये देखें कितनी प्यारी सड़क बनी हुई है। इसको खाना डाल रहे हैं, वो खा रही हैं। अल्लाह ने सबका रिजक लिखा हुआ है, ये हमारे इंतज़ार में बैठी कि हम कुछ डालेंगे। माँ हमने अभी कुछ लिए नहीं, इसको क्या डालें यार, तेरे पास है कुछ डाल इसे यार। ये यहाँ की सबसे मशहूर इनकी लेक है, ये देखें आप लेक, ये चेक करें आप व्यू। ये है आपका दुनिया का सबसे पुराना शहर हॉलस्टार्ट। ये देखें यहाँ पर रौनक कितनी है, ये चेक करें। अच्छा तो यार ये यहाँ से वॉशरूम वगैरह करने के बाद हम आए हैं इस जगह पे। यहाँ पे आप इनको खाना वगैरह डाल सकते हैं, और ये है हॉलस्टार्ट की खूबसूरती। ये देखें, अच्छा थे इधर, अच्छा इधर चीनी और कोरियन बड़े आए हुए हैं। ये देखें ये चेक करें यहाँ पानी कैसे आ रहा है, वो बता क्या कर रही है। अच्छा तो यार ये देखें, ये आपका वो व्यू है सारा जो आपने पिक्चर्स में देखा होगा। ये देखें ये है सिटी हॉलस्टार्ट का, ये मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये व्यूज देखा होगा पिक्चर के अंदर। ये देखें, ये देखें, ये हमारे हुंजा जैसा ही है, और जिस तरह हमारा हुंजा प्यारा है ना, ये उसी तरह ही प्यारा है। बट ये है कि यहाँ पे
सबसे बड़ी बात है इंटरनेट है और 5G इंटरनेट है। उसके बाद ये बस वगैरह खड़ी हैं OVV की, ये आपको लेके चलती हैं अगर आपने कहीं जाना है, और इसमें बैठ के आप फिर सकते हैं। तो अभी हम इसमें बैठते हैं और चक्कर लगाते हैं, देखते हैं क्या सीन है, क्या चक्कर है, कहाँ पर ये जाएगी बस। और ये लिखा हुआ है इस बस ने जाना है, मैं देखता हूँ स्क्रीन पे। ये स्केड्यूल है बस का, जहाँ जहाँ इसने जाना है लास्ट स्टॉप, तो मैं भी चेक करता हूँ फिर इस पे जाते हैं हम। ये यार यहाँ का इन्होंने माइक्रो वो क्या कहते हैं इसे यार, जो दूरबीन टाइप होती है, क्या यहाँ से पूरा शहर देख सकते हैं। ये देखें, ये चेक करें हम, ये इनका सबसे फेमस चर्च है यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले दिखाया, सॉरी ये वाला, ये फेमस चर्च है। और ये आप दूर दूर तक देख सकते हैं, ये देखें ये पहाड़ों के ऊपर भी, ये देखें ये बर्फ़ वगैरह पड़ी है पहाड़ों पे, ये देखें ये देखें। यार ये था आपका हॉल स्टार्ट, अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे रहना नहीं है, घर वापस जाना है। और सीन ऐसा है कि ये वापसी का रास्ता है, और एक दिन में कवर करना बहुत मुश्किल है ये, लेकिन इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे कुछ देर तक, और आपको ऊपर इनकी साल्ट माइन भी दिखाएंगे, और एक ट्रेन जाती है ऊपर, आपको वो भी इसका विज़िट कराऊंगा मैं कि इसकी ट्रेन का क्या सीन है। साल्ट माइन की हाँ मैंने टिकट कंफर्म किया, 40 यूरो किया, तो 200 यूरो इनफ फॉर 1 पर्सन। और Airbnb से आप यहाँ पर रूम देख सकते हैं, रूम यहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते भी मिल जाएंगे, 20 यूरो से लेकर 300 यूरो तक मिल जाएंगे। और ये है आपकी हॉल स्टार्ट। तो अभी हमने वापस ट्रेन पकड़नी है, फेरी पकड़ के पहले हमने स्टेशन में जाना है, फिर ट्रेन पकड़नी है, फिर आपको मैं लेके चलता हूँ। आ जाए, ये लड़की इसकी हमने तस्वीरें खींची थी, इसको नज़र आ रहा था के हमने इसकी तस्वीरें खींच के दी हैं, कल ही आई हुई है थे। और वो सामने घर बना हुआ जहाँ से ना पूरा व्यू आता है, लेकिन यह है कि उस घर तक जाने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, तकरीबन ये वाला घर, जूम नहीं हो रहा लेकिन ये देखें। आ जाओ वापस चलते हैं, मैं इससे पूछ लेता हूँ उसने अगर तस्वीरें खींचनी है, और तो खींच लेते हैं नहीं तो ना सही। तो अब हम वापसी की तरफ रवा हैं, और हमारी जो फेरी है वो निकल गई है, और अगली फेरी आनी है 2 घंटे बाद। बट हम कह रहे हैं कि हम ज़रा जा के देखते हैं जो खड़ी है, और कोई नहीं खड़ी भाई जान, कि जो फेरी खड़ी है उससे पूछते हैं अगर वो लेके जाना चाहे हमें तो ले जाए, ना लेके जाना चाहे तो उसकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं भाईजान उसे। तो यार ये था हॉल स्टार्ट और ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिएगा। मैंने कोशिश तो की है हर चीज़ कवर करूँ, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा ये एक दिन में कवर नहीं हो सकता। वैसे टूर था मेरा एक दिन का, मैंने कहा चलो एक दिन के अंदर अंदर आपको दिखा दूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दी करके शेयर कर दीजिएगा। हमने वापस लेंस जाना है, तो मेरे मोबाइल की बैटरी भी तकरीबन ख़त्म होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।